हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप जीके की पढ़ाई करते हैं तो आपको आज की 25 प्रश्न में कम से कम 20 प्रश्न का जवाब देना होगा। तो आप पढ़ते हैं, नहीं तो आप करते हैं टाइम पास। तो आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सी वी रमन, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी महाराष्ट्र में, सी बिहार में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका दोस्तों सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश में। आपका तीसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? ऑप्शन है ए वर्गाकार था, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी शंकुकार। आपका सही जवाब है सी त्रिभुजाकार। आपका चौथा सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है? ऑप्शन है ए भोपाल में, बी शिमला में, सी इस्लामाबाद में, डी हैदराबाद में। आपका सही जवाब है डी हैदराबाद में। आपका पांचवा सवाल है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1944 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और रोजाना ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेनी है। आपका छठा सवाल है, राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपका ऑप्शन है ए एस सी मुखर्जी, बी एम एस पिल्लई, सी कमलेश शर्मा या डी बी जी कुरियन। आपका सही जवाब है सी कमलेश शर्मा। आपका सातवां सवाल है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1948 में, बी 1956 में, सी 1964 में, डी 1972 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1964 में। आपका आठवां सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 9 जनवरी को, बी 14 सितंबर को, सी 2 अक्टूबर को, डी 18 नवंबर को। आपका सही जवाब है ए 9 जनवरी को। आपका नवां सवाल है, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? आपका ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु अंगद। आपका सही जवाब है बी गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला सवाल है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश का, बी राजस्थान का, सी हरियाणा का, डी तमिलनाडु का। आपका सही जवाब है डी तमिलनाडु का। दोस्तों, ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिए। आपका 11वां सवाल है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भरतपुर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी जैसलमेर। आपका सही जवाब है ए भरतपुर। आपका 12वां सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस है ए अरुंधति राय, बी चेतन भगत, सी किरण बेदी, डी अनुपम खेर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी किरण बेदी। आपका 13वां सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। आपका सही जवाब है बी शुक्र। आपका 14वां सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? आपका ऑप्शन है ए 1828 में, बी 1834 में, सी 1841 में, डी 1875 में। आपका सही जवाब है डी 1875 में। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया,
डी श्रीलंका। आपका सही जवाब है बी भारत। और रोजाना ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। 16वां सवाल है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत। जी हां, अपना भारत। आपका 17वां सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए यूएसए में, बी फ्रांस में, सी चीन में एंड डी भारत में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए यूएसए में। आपका 18वां सवाल है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? ऑप्शन है ए श्रेय, बी कुनिक, सी धनिक, डी अजात। आपका सही जवाब है बी कुनिक। आपका अगला सवाल, और ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कर्नाटक। आपका 20वां सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के बाद शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 76वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। आपका सही जवाब है ए 42वां संशोधन। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है ए 1978 में, बी 1986 में, सी 1992 में, डी 1996 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1992 में। और ऐसे रिल प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए भोपाल में, बी ग्वालियर में, सी लखनऊ में, डी इलाहाबाद में। आपका सही जवाब है ए भोपाल में। आपका अगला सवाल, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन है ए पंजाब में, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है, नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सी राज्य सबसे आगे हैं? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए पेशेता, बी फ्रैंक, सी तुगरिक, डी लैम्पीटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए पेशेटा। दोस्तों, अगर आप 25 प्रश्न में 20 प्रश्न का आंसर आपने किया होगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, अन्यथा अपनी तैयारी को और तेज और रफ्तार देने की जरूरत है, इसलिए वीडियो को डेली देखा कीजिए।